नमस्कार, मैं अक्षय आनंद। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 5 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है। जो जितने भी छात्र राजनीतिक दल हैं, वो अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। एक तरफ छात्र जदयू भी पूरी ताकत झोंकने में लगा है, दूसरी ओर बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि पटना यूनिवर्सिटी में भी महागठबंधन तैयार हो गया है। जी हाँ, इस महागठबंधन में AISF, छात्र राजद और आयशा शामिल हो रहे हैं। तीनों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जॉइंट मीटिंग करने के बाद यह फैसला निकलकर सामने आया है। इस बैठक में छात्र राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव, AISF के राष्ट्रीय महासचिव सुशील कुमार समेत जो तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग थे, वो इसमें मौजूद थे। जिसके बाद यह फैसला हुआ है कि PUSU 2018 के चुनाव में महागठबंधन के तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें कि आयशा, AISF और छात्र राजद साथ में चुनाव लड़ेगा। आपको पदों के हिसाब से बताते हैं कि किस पद से कौन सी पार्टी लड़ेगी। अध्यक्ष पद पर AISF चुनाव लड़ेगी, वहीं उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पद पर छात्र राजद, महासचिव पद पर आयशा चुनाव लड़ेगी। और यह तीनों पार्टियों ने बैठकर इस बात का निर्णय लिया है। तो पार्टियों के आपसी सहमति बनने के बाद चुनाव में उतरने को महागठबंधन तो तैयार हो गया है। लेकिन इस बीच पटना यूनिवर्सिटी में एक और ड्रास्टिक चेंज ये हुआ कि वहां के डीन NK झा ने इस्तीफा दे दिया। कारण दरअसल यह है कि AISF द्वारा यह आरोप लगाए गए थे कि NK झा ABVP के नगर इकाई से जुड़े हुए हैं, नगर के पदाधिकारी हैं पटना महानगर के, और ABVP के साथ उनकी संलिप्तता का आरोप AISF ने लगाया था, जिस आरोप से आहत होकर डीन NK झा ने इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल अब आगे पटना यूनिवर्सिटी का जो रण है वो और क्या कुछ मोड़ देखता है, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। जब यूनिवर्सिटी पटना है तो जाहिर सी बात है कि रोमांच भी लगातार बना रहेगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो तमाम अपडेट्स हैं वो लगातार आप तक पहुंचते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।